Hi guys, welcome to MB's Man Cave and welcome to a very exciting episode of Whiskey Wednesday. मैंने बहुत सारी प्रीमियम विस्कीज़ के रिव्यू करे हैं पिछले कुछ 3 महीने में अगर हम बात करें, और ज़्यादातर विस्कीज़ को मैंने ओवररेटेड बोला है। अब ये एक क्वेश्चन आ जाता है, एक पैराडॉक्स बन जाता है कि अगर सारी एक्सपेंसिव विस्कीज़ ओवररेटेड है तो फिर हम बजट फ्रेंडली विस्कीज़ या सेमी प्रीमियम विस्कीज़ ही क्यों ना ख़रीदें। क्या कोई ऐसी विस्की है विच एक्चुअली जस्टिफाइज इट्स प्राइस? एंड यस, उसका आंसर है कि बिल्कुल ऐसी एक विस्की है जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं, ग्लेनमोरेंजी नेक्टर डोर। सो ऑफकोर्स वी हैव रिव्यूड ग्लेनमोरेंजी विस्की इन द पास्ट। वी हैव रिव्यूड ग्लेनमोरेंजी 10 विच वॉज एन अमेजिंग विस्की। आई लव द टेस्ट एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट हैज़ बिकम माई गो टू विस्की, स्पेशली वन आई एम लुकिंग फॉर अ गुड स्पेस साइड विस्की। सो जस्ट लाइक मंकी शोल्डर, आई थिंक ग्लेनमोरेंजी को मैं सेम लीग में रहता हूँ। इनफैक्ट आई वुड कॉल इट स्लाइटली बेटर देन मंकी शोल्डर। एंड देन वी हैव द अदर रेंज ऑफ ग्लेनमोरेंजी, स्लाइटली मोर प्रीमियम लाइक दिस वन नेक्ट डोर। आई लव विस्कीज जिसमें कुछ यूनिक होता है, समथिंग न्यू, बिकॉज विस्की एज एन आर्ट 200-250 सालों से चले आ रहे हैं। सो आज के टाइम में भी अगर कुछ नया हमें ट्राई करने को मिलता है, समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली न्यू फॉर आर पैलेट, देन आई रियली लुक फॉरवर्ड टू टेस्टिंग इट। जैसे कि ओक स्मिथ विस्की जो कि बर्बन और स्कॉच को कंबाइन करके ब्लेंड करके बनाई गई है, या बेल्विनी 14 जो कैरेबियन रम कास्ट में एज करी जाती है। सिमिलरली दिस इज अ यूनिक विस्की, एक 12 ईयर्स ओल्ड विस्की है जिसे फिनिश करा जाता है फ्रेंच सॉटनिस वाइन कास में। ये फ्रेंच वाइन होती है जो कि स्वीट वाइन, डेजर्ट वाइन होती है, और जो कास्क होते हैं ये इस वाइन को एजिंग के लिए जो यूज़ करे जाते हैं, दे आर मच स्मॉलर देन योर टिपिकल विस्की ग्लास विस्की कास्क। तो जब हम विस्की एज करते हैं इन कास्क में तो वुड से जो कॉन्टैक्ट होता है विस्की का, इट्स अ लॉट मोर प्रोमिनेंट, और जो वुड है वो ज़्यादा छाप छोड़ पाती है अपनी विस्की के टेस्ट में। जब विस्की को एज कराया जाता है बैरल्स में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं विस्की के साथ। ऑफकोर्स विस्की का कलर चेंज हो जाता है जब विस्की निकलती है डिस्टिलेशन के बाद, तो बिल्कुल क्लियर कलर की होती है, पानी की तरह, वॉडका की तरह, एंड विद एजिंग उसका कलर चेंज होता है। उस विस्की स्मूथ होती है, जितनी ज़्यादा विस्की आप एज कराएंगे स्मूथनेस फैक्टर बढ़ता है, विस्की का टेस्ट आपको ज़्यादा रिफाइंड लगेगा। बट एट द सेम टाइम किस तरह का कास्क यूज़ कर रहे हैं आप, कौन सी वुड यूज़ कर रहे हैं, दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और इस विस्की में जो आप वो डिफरेंस है वो आप बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, बिकॉज दिस विस्की इज़ फुल ऑफ फ्लेवर्स जो शायद आपको किसी और विस्की से नहीं मिलेगा, एटलीस्ट इन दिस प्राइस रेंज। एंड ऑफकोर्स ग्लेनमोरेंजी के बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, जैसे मैंने बताया हमने रिव्यू ऑलरेडी कर दिया है। ग्लेनमोरेंजी की हिस्ट्री के बारे में भी मैंने बताया था उस वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग विस्की है। इट इज़ मेड बाई प्राइमरली बाय 16 पीपल जो उस डिस्टिलरी में काम करते हैं। पर्सनली आई हैव टू से दैट आई एम एक्चुअली अ बिग फैन ऑफ ग्लेनमोरेंजी। आई थिंक जो प्रोडक्ट लाइनअप है ग्लेनमोरेंजी का, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट स्कॉच विस्की जो आपको मिल सकती है। एंड जो उनकी एक्सटेंडेड रेंज है, द काइंड ऑफ विस्कीज दे मेक, दे आर कम्प्लीटली यूनिक। एंड आई रियली रियली होप कि एक दिन मेरे पास सारी विस्कीज हो कलेक्शन में और मैं सारी विस्कीज टेस्ट कर पाऊँ। दिस विस्की इज प्राइस्ड एट रुपीज 8,250 फॉर द बॉटल इन दिल्ली, और ये बॉटल आती है 46% ABV के साथ। सो यू आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा अल्कोहल, सम एक्स्ट्रा विस्की इन योर बॉटल, क्योंकि नॉर्मली अगर हम दूसरी विस्कीज देखें तो 40% के साथ आती है, मैकेलन या डालमोर की अगर हम बात करें। एंड एक इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दैट जो ये विस्की है ये 12 ईयर्स ओल्ड के लिए एज है, बट जो नई बॉटल्स आ रही है नेक्टेडोर की, दे आर कमिंग विद नॉन एज स्टेटमेंट, विच इज़ अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट ऑनेस्टली। बट हो सकता है अगर आप जाएँ ख़रीदने के लिए तो आपको अभी भी पुरानी बॉटल 12 ईयर्स ओल्ड एज स्टेटमेंट के साथ मिल जाए। सो लुक आउट फॉर इट इफ़ यू कैन फाइंड इट।
और दोस्तों आज की वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ ईबुक सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट को, जिसे लिखा है शिवराज मात्रे जी ने। इस बुक से वो समझाते हैं कि कैसे आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक बिगनर हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, देन दिस इज़ अ ग्रेट बुक टू पिक अप एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ शेयर मार्केट। एक ई बुक है जिसने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है एंड अमेजोन पर अवेलेबल है ई बुक के फॉर्मेट में, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट ऑन योर डिवाइस, यू डोंट नीड अ फिजिकल बुक एंड यू कैन रीड इट एज पर योर कन्वीनियंस। सो जाइए, जाके चेकआउट करिए ई बुक सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो ऑफकोर्स काफ़ी कुछ बातें कर ली मैंने आपको, काफ़ी बड़ा चढ़ा के बोल दिया इस विस्की के बारे में, बट हाउ डज इट टेस्ट, वेल लेट्स फाइंड आउट। वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस विस्कीज की जो उसका कलर है बिल्कुल नेचुरल है, देर इज नो आर्टिफिशियल कलरिंग यूज इन दिस विस्की। आई एम नॉट श्योर कि चिल फिल्टर्ड है कि नहीं है विस्की, बट लेट्स डू सम नोजिंग। वेरी वेरी नाइस ब्रीज ऑफ फ्लेवर्स, क्वाइट फ्रूटी ऑन द नोज, a bit of apple, a bit of vanilla जो मुझे nose पर आ रहा है, definitely quite woody, कोई smoke नहीं है इस whisky में, it's completely unpeated, no smoke at all, very sweet, I would not say very sweet, maybe medium sweetness level है इस whisky का, at least on the nose. Getting a bit of cinnamon, spices are coming up nicely on the nose, but they are not taking a very dominant position in this whiskey. But let's get to the tasting, because I know that tasting mein whiskey ke jo flavors hain kafi alag ho jayenge. The 46% alcohol, जो extra alcohol है, that really comes out. It's so such an amazing balance of all the flavors. It has a nice fruity sweetness at least in the start, but very soon it gets the spices takes over, a bit of ginger jo mujhe aa raha hai, in fact quite a bit of ginger, a bit of pepper, very nice wintry spices jo aap winters mein expect karte hain, it has a nice layer of complexity, har sip ke baad aapko ek nayi layer complexity ki फील होती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन अनियन, जैसे जैसे आप इसे छीलते रहेंगे कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा, जस्ट सो ब्यूटिफुल। अगर बाकी और विस्कीज जो हम पीते हैं वो नशा करने के लिए पीते हैं, देन दिस विस्की इज़ नॉट दैट, ये नशा करके करने के लिए पीने वाली विस्की नहीं है, ये प्यार करने के लिए पीने वाली विस्की, प्यार हो जाएगा आपको विस्की से एक बार जब आप ये पियेंगे। And one good thing about this whiskey is that this is a great step up from the regular Glenmorangie. Maybe after Glenmorangie 10, मैं suggest करूँगा लोगों को कि Glenmorangie La Santa try करें. It has a bit more sherry influence. And after that, this is a perfect step up. This is not a whiskey. This is a masterclass. This is a piece of craft जो Glenmorangie Distillery से आया है. And this is a whiskey to cherish, to have when you are celebrating something, to celebrate those good times, because this whiskey is well deserving of that. Aisa main bahut whiskeys ke bare mein bolta hu, but again this is one of those whiskeys jo aapki aadatein bigad deti hai. Jab aap aisi whiskey ek bar pee lete hain, uske baad is price range mein aur jo whiskeys hain unhe aap is benchmark se compare karenge, they will have to go through this benchmark. I feel that this is one of the best whiskies you can get under 10,000 rupees.
इस प्राइस रेंज में जो और विस्कीज आती हैं, आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट. आई विल गिव इट 10 out of 10 प्लस एन एक्स्ट्रा मार्क फॉर टेस्ट. आई एम गिविंग इट 11 out of 10 विद द वन बोनस पॉइंट. और अगर मैं बात करूँ वैल्यू फॉर मनी की, एज ए सेड जो उसकी एज स्टेटमेंट अब हटा दी गई है विच इज़ डिसअपॉइंटिंग. ऑल्दो आई विल जज इट ऑन द बेसिस ऑफ द बॉटल दैट आई हैव, क्योंकि मैंने वो दूसरी बॉटल टेस्ट नहीं करी है. इफ़ आई गेट दैट बॉटल आई विल गिव इट अ टेस्ट. आई विल डू अ रीविजिट रिव्यू ऑफ दैट विस्की. हो सकता है टेस्ट में भी डिफरेंट फर्क आ गया हो. सो आई विल गिव इट 9.5 out of 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी. दिस 12 ईयर्स ओल्ड बॉटल, नॉट द न्यू वन. सो इसका MB's मैन केव स्कोर होता है 10.25, विच इज आई थिंक द हाइएस्ट फॉर एनी विस्की टिल डेट. आप लोग बताइए अगर आपने टेस्ट करी है ये विस्की तो कैसी लगी आपको, या फिर कोई और ऐसी विस्की है जो आपको लगता है दैट इट डिजर्व्स अ स्कोर बेटर देन 10 out of 10, तो मुझे ये भी बताइए. आई विल ट्राई टू पिक अप दैट बॉटल एंड गिव इट अ टेस्ट. लाइक करिए वीडियो को अगर पसंद आया आपको तो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers.